हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने फेसबुक के अकाउंट को कैसे डिलीट करोगे परमानेंटली। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही आसान सा काम है, ठीक है। फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना, बस आपने वीडियो एंड तक देखनी ताकि यार आपको वीडियो समझ आ सके, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यार हमारा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपने अपनी फेसबुक ओपन कर लेनी है, ठीक है, और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आपने क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, अकाउंट सेंटर पे आपने जो है ना क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा यहाँ वेट कर लेते हैं। अकाउंट सेंटर के बाद आपने पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप देख सकते हो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोलर, ठीक है। तो अब आपने इस पर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। जैसे अकाउंट एंड कंट्रोलर पे आप क्लिक करोगे तो यार उसके बाद आपके सामने ये आएगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपने अपने अकाउंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और अब यहाँ आपको बता दूँ, ये जो ऊपर वाला है डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेरी, तो इससे ये होगा कि अगर आपने ये किया तो आपका जो अकाउंट है वो टेम्परेरी तौर पर ही बंद होगा, ठीक है। अगर आप नीचे वाले पे करते हो तो डिलीट, ये लिखा हुआ नीचे वाले पे अगर लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यार आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने परमानेंटली डिलीट करना है तो हम नीचे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू, और फिर इसके बाद कंटिन्यू, फिर उसके बाद आपने एक कोई सजेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आई हैव एन ए द प्राइवेसी कर लेता हूँ, आपने कोई सा भी कर लेना, ठीक है, जो आपको सही लगे। और उसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और फिर नीचे चले जाना है सबसे एंड में। तो आप यहाँ देख सकते हो व्यू लिंक एप्स, ठीक है। इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू देख सकते हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो दोस्तों यार आपके सामने ये आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ही आप ये पासवर्ड डालोगे तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई आपने जो ना 30 दिन तक जो अपना अकाउंट है वो ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप ओपन करोगे तो फिर वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना कि 30 दिन तक भाई इसको डिलीट आपने दोस्तों नहीं करना, ठीक है। जब आप इसको ओपन नहीं करोगे तो जो आपका अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यार आज की वीडियो से आपको मैंने यही बताना था कि आपने किस तरह अपने फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना है। तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है, मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही। तो देखा आपने, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है, फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना। बस जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उसी तरीके से करते जाना, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।